हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आज आपके समक्ष संचय भाग एक श्री राम शर्मा द्वारा रचित पाठ स्मृति पाठ के सार के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ का सार स्मृति कहानी का शीर्षक यह स्पष्ट कर देता है कि प्रस्तुत कहानी की घटना लेखक को जीवन भर याद रही। इस कहानी में लेखक और उनके छोटे भाई दोनों खेलकूद में व्यस्त हैं। उन व्यस्तता के क्षणों में ही एक आवाज़ दूर से आती है। एक आदमी जोर से चिल्लाकर लेखक का नाम लेकर पुकारता है और यह संकेत करता है कि बड़े भाई साहब ने उसे बुलाया है। लेखक का हृदय बड़े भाई से पिटने की आशंका से भयग्रस्त है। लेखक खेल छोड़कर आते हैं और डरते डरते घर में घुसते हैं। जब भाई साहब को लेखक कुछ लिखने में तन्मय दिखते हैं तो उन्हें तसल्ली होती है कि आज मार खाने की परिस्थिति नहीं बन रही है। बड़े भाई से आदेश मिलता है कि कुछ चिट्ठियों को मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल आना है। लेखक तक्षण तैयार हो जाते हैं और अपने छोटे भाई को और अपना एक डंडा भी साथ ले लेते हैं। लेखक उस लाठी को नारायण वाहन मानते हैं। आगे जो घटनाक्रम है उसमें भी सचमुच यह लाठी नारायण वाहन से धोती है। लेखक काफी तेजी से दौड़ते हुए मक्खनपुर की ओर छोटे भाई के साथ चल पड़ते हैं। दोनों भाई एक ही सांस में गांव से चार फलांग दूर उस कुएं के पास आ जाते हैं जिसमें एक भयंकर सांप रहता है। वह कुआं कच्चा है और 24 हाथ गहरा है। दोनों भाई उस कुएं पर पहुंच जाते हैं। बाल सुलभ कौतुक के चक्कर में फंसकर दोनों भाई कुएं में सांप का दृश्य देखने के लिए झांकने लगते हैं। इसी क्रम में सिर पर रखी टोपी को बार बार उतारना पड़ता है जिसमें चिट्ठियां सुरक्षित रखी हुई थीं। दुर्भाग्य से टोपी रखने उतारने के क्रम में तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं। चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने के बाद लेखक की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। लेखक उन चिट्ठियों को गिरते हुए देख उसे पकड़ने के लिए कुएं में ऐसे ही लपकते हैं जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। लेखक की पहुंच से बाहर हो जाने के कारण वे चिट्ठियां अंत में कुएं में गिर जाती हैं। लेखक के सामने अब केवल दो ही विकल्प विशेष रह जाते हैं, या तो उन चिट्ठियों को वह किसी तरकीब से कुएं से निकाले या घर जाकर झूठ बोले और कहे कि तीनों चिट्ठियां डाक में डाल दी हैं। लेखक काफ़ी सोच विचार करने और रोने धोने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन चिट्ठियों को कुएं से निकालना ही है। कुएं से चिट्ठी निकालने का काम काफ़ी कठिन था। कुएं में सांप की उपस्थिति से चिट्ठियों को निकालना मौत के साथ भिड़ने के समान था। इस कहानी में लेखक ने चिट्ठी निकालने की घटना का रोमांचक वर्णन किया है। काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकाल ही ली। लेखक ने पूरे प्रकरण के अंत में इस पूरी घटना की रोचकता गंभीरता और भयावहता का कम से कम शब्दों में वर्णन किया है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। यह था श्रीराम शर्मा द्वारा रचित पाठ स्मृति का सार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।